ट्रैवल बसों द्वारा कानून को ताक पर रखकर जिस तरह बसों की छत पर अवैध पार्सल लोडिंग की जाती है, ये कोई नया विषय नहीं। और शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना द्वारा समय समय पर इस अवैध पार्सल लोडिंग के खिलाफ मुहिम भी चलाई जाती रही है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को वाड़ी में महिंद्रा ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG19F0228 जो गुजरात से रायपुर जा रही थी, उस बस की छत पर 3 फीट तक अवैध तरीके से पार्सल लोड किया हुआ था, जो यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से व कानून रूप से भी अवैध था। उपरोक्त बस को MIDC ट्रैफिक विभाग द्वारा वाड़ी टी पॉइंट पर रोक कर आगे की कार्रवाई के लिए MIDC ट्रैफिक पुलिस में खड़ा किया गया। इस अवसर पर शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना के राकेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। वह उनके मुताबिक जब RTO विभाग ODC माल ले जाने वाले वाणिज्यिक ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाते हैं, तो फिर क्या ये अवैध तरीके से पार्सल परिवहन करने वाली बसें इस तरह खुलेआम महाराष्ट्र RTO बैरियर क्रॉस करके आवागमन करती है? इस संदर्भ की जाँच कर आगे की कार्रवाई पर बस ट्रेवल्स के लगेज की जाँच कर उन पर कार्रवाई करने की मांग शिव वाहतूक सेना द्वारा की गई। इस संदर्भ में MIDC यातायात विभाग के PI राजेंद्र पाठक, इन्होंने ट्रैवल्स के प्रति हम कार्रवाई कर रहे हैं और भारी मात्रा में लगेज ले जाने वाले ट्रैवल्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया। ट्रैवल्स बसों में हो रही अवैध पार्सल लोडिंग रूफटॉप लगेज के खिलाफ अभियान शुरू है, उसके बावजूद भी कुछ ट्रैवल संचालक ऐसे हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए भी इस तरह के अवैध पार्सल लोडिंग में लगे हुए। पीछे महिंद्रा ट्रैवल्स की बस आप ये देख रहे हैं, अभी लगभग 7-8 दिन पहले भी इसी बस के विजुअल्स शेयर किए गए थे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ भी आई थी, पूरे डिपार्टमेंट्स को वो न्यूज़ भेजी भी गई थी, वायरल भी हुई थी। उसके बावजूद भी ये गाड़ी गुजरात से आ रही है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि ये गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है और ये गाड़ी रायपुर जा रही है तो भी महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करेगी, उसके बावजूद वहाँ पर भी RTO को इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती, इसका कारण क्या है? जबकि एक ट्रक वाला अगर 2 इंच भी उसका अगर माल बाहर है, उसको 35,000 रुपये, 25,000 रुपये की परमिशन प्लस 10,000 रुपये हाईवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जो भी परमिशन लेनी पड़ती है, 35,000 रुपये उसको भरने पड़ते हैं। और अगर वो गाड़ी गलती से ऑन रोड पकड़ी जाए बिना परमिशन की, तो उस पर 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब ट्रक वालों पर सभी तरह के नियम कायदे कानून लागू होते हैं, तो इन ट्रैवल संचालकों पर जो सवारियों की जान की परवाह ना करते हुए 3-3 फीट ऊपर तक माल ढो रहे हैं, इन पर डिपार्टमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज ये गाड़ी में फिर से आ रही थी गुजरात से भर के, तो ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इसको MIDC ट्रैफिक में लाया गया। अब आगे कार्रवाई जो भी होगी वो डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन मुद्दा फिर वही है कि सभी नियम कायदे कानून जुर्माना वो सिर्फ ट्रक वालों पर लागू क्यों है और ये ट्रेवल्स बसें इस तरह का खुलेआम अवैध पार्सल लोडिंग कैसे कर पाती हैं, वो एक सोचने का मुद्दा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।